एवरीवन एंड वेलकम टू कॉफ़ी विद द सीईओ। आज हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑफ ह्यूमन कैपिटल एचआर सॉल्यूशन मिस्टर राजेश कुमार। हेलो सर। हेलो एंड वेलकम। थैंक यू सर। एचआर ह्यूमन कैपिटल, आप किस वर्टिकल में? ऑब्वियसली यू आर वर्किंग इन द एचआर इंडस्ट्री, बट ये इन हाउस है, आउटसोर्सिंग कंपनी है, ये किस वर्टिकल में काम कर रहे हैं, क्या टारगेट ऑडियंस है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, बेसिकली मायसेल्फ राजेश स्पेंड अराउंड 15 ईयर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर हेडिंग द एचआर विद फार्मा एफएमसीजी पावर सेक्टर। तो इन 15 ईयर्स एक्सपीरियंस मुझे दो चीज़ें नज़र आई। वो ये कि लाइक हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, पीपल राइट रिसोर्स मार्केट में मिलता है। विद दैट एंगल आई जस्ट स्टार्ट माई ओन सेटअप बैक इन 2017 एंड करंटली जो है हम रिक्रूटमेंट सर्विसेज जैसे कहा जाए 250 कंपनीज को दे रहे हैं, जिसमें यू नेम एनी बिग कंपनी लाइक अभी जो ये एंग्रो जीएसके है, बट नोवार्टिस, एचबीएस एंड बैंक गेट मार्ट एंड आउ, यू नेम एनी कंपनी। अच्छा, पैरेलल हमारा जो है वो थर्ड पार्टी आउटसोर्स स्टाफ है। आपको जो ये ब्लू कॉलर वर्कर्स होता है इन फैक्ट्री, ब्लू कॉलर वर्कर्स आपका होता है लाइक इसमें जेनोट्रियल, टी बॉयज, गार्ड, सिक्योरिटी कंपनी, तो ये इस टाइप ऑफ स्टाफ मोस्टली कंपनी टू ट्रांसफर देयर हैसल टुवर्ड्स अनदर कंपनी तो वो कर रही होती है। तो वो एक बहुत बड़ा स्पेस हमारे पास है, अराउंड 3000 स्टाफ ऑन आवर पेरोल, पैरेलल रिक्रूटमेंट इज आवर पोर्टल, सो थिंग्स आर गोइंग गुड, वंडरफुल, माशाल्लाह। सर, आपने अभी ये बात बोली है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन हमें राइट रिसोर्स नहीं मिलते, इस चीज़ को और बेहतर बनाने के लिए या इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या ऐसे इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो हमारी इस जो फैक्टर है उसको डायल डाउन करते थोड़ा सा? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना एक सबसे बड़ा गैप जो है वो मैं एक जैसे थैंक्स टू इजाज निसार साहब जिन्होंने एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट विद द सीईओ, सीईओ से कनेक्ट करा के और वो थोड़ा एक हमें भी एक चांस दिया टू यू नो टू पार्टिसिपेट विद दिस डिफरेंट कॉर्पोरेट। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो मेरी नज़र में आता है वो ये कि यूनिवर्सिटीज लेवल से जो ब्लड निकलता है उनको पता नहीं होता कि जाना कहाँ है। अच्छा, वो अपने हिसाब से तो वो कहते हैं कि 25,000-50,000 वाली जॉब उनके जहन में होती है कि मिल जाए और उसके बाद हमें वो लैंड ऑन करना, बट उनको जो जो एक्सपोजर जो देखना चाहिए, क्योंकि कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो शुरू में उनको कहते हैं यार आपने का ये दिमाग होना चाहिए, आप यहाँ जाओ, छोटी यूनिवर्सिटीज़ कहते हैं यार आपका सिर्फ जॉब चाहिए और उसके बाद आप लैंड ऑन करो, बट जो कॉर्पोरेट जो एक एचआर बैठा हो इंडस्ट्री में वो उनको टैप डाउन नहीं कर पा, उस गैप को गैप की वजह से ही वी आर हियर टू फाइंड द राइट रिसोर्स। यू फाउंड द गैप एंड यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। सर, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने इंडस्ट्रीज इन यूनिवर्सिटीज की बात की, क्या आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटीज लेवल पर हम लोगों को जो स्किल्स सिखाई जाती हैं, जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क? एंड हम CACC की बात करते हैं, CACC बहुत एक स्पेसिफिक फील्ड है, उसी तरीके से हमें मार्केटिंग के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि हम इतना ही एक्यूरेट और स्पेसिफिक रहें एक इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो HR हो, मार्केटिंग हो, सप्लाई चेन हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, क्या आपको ऐसा लगता है? एक इसमें ये सबसे बड़ा जो काउंसलिंग फैक्टर है ना, लाइक अवर पीपल, मैं मोस्टली मैं दो तीन जगह पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटी, मोस्टली आई सेंड माई स्टूडेंट टू डिफरेंट कॉर्पोरेट ना, तो दे डोंट नो द बेसिक एटिकेट्स टू हाउ टू pick the knife, how to use the fork, and how to behave, what the dress up, how to behave once you enter in any room, so supposed to be knocked, yeah, you sit in front of anyone, then you pull the chair and then put the back on the same place. तो ये जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं ना, तो वो थोड़ी सी नजर नहीं आता। मैं कभी वो एक वॉशरूम गया तो उसने लिखा होता प्लीज फ्लश आफ्टर यूजिंग, पीपल डोंट नो दैट दे नीड टू फ्लश इट आफ्टर यूजिंग। तो ये एक बेसिक चीज है जो हम कहते हैं कि हम वो चीजें तो पढ़ाते हैं जो एक अकेडमिक, बट ये जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं वो एक पब्लिक को इवन ये कि मास्टर होल्डर जब बाहर जाता है तो उसको नहीं पता। एग्जैक्टली, तो जो बेसिक एटिकेट्स की थोड़ी कमी है जो यूनिवर्सिटीज को मैं अक्सर कहता हूँ, लाइक मैं चार जगह पढ़ा रहा हूँ तो मैं अक्सर वही कहता हूँ, मैं कहता हूँ आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है रिक्रूटमेंट उसकी, तो वो देते हैं तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो 2000 में वाइप आउट हो गई थी, नाउ मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दें। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मास्टर्स डिग्री होल्डर होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, दे सपोज टू गो इन द कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट्स को उनको फ्लेवर पहले से पता हो ताकि वो अच्छे तरीके से लैंड कर सकें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस एंड फॉर योर इनसाइट्स।